स्वीकार स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आज जो एग्ज़ाम हुआ 10 अगस्त को। तो देखो डियर, जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मेरे पास जो भी टॉपिक या कहो क्वेश्चंस जो भी मेरे पास शेयर किए जाते हैं, डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाता है। और लगातार 5 तारीख से आप लोगों के साथ बना हूँ और आप लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए भी थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे फैमिली का मेंबर बन रहे हैं। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ 10 अगस्त को क्लर्क का, तो इसमें सारे टॉपिक सेम हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियोज़ को नहीं करने वाला हूँ, है ना। टॉपिक्स जो कल का जो टॉपिक था, कल के जो वीडियोज़ में मैंने टॉपिक बताया था 9 अगस्त का, आप उसे एक बार देख लेना अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो वो देख लेना, वो वही टॉपिक आपके हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। देखो, एक्स्ट्रा यहाँ पे जो आपका पूछा गया है वो पूछा गया है आपका बिहार से जीके। अब बिहार से जीके क्या पूछा गया है, तो बुद्ध भगवान के बारे में क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है, जो कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो ऑप्शंस थे वो बिहार से रिलेटेड थे। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी जो है आपका बिहार से रिलेटेड ही होगा। तो ये मेरे पास बस ये एक छोटी सी जानकारी, जो अलग जानकारी है, अब तक जितने भी दिनों में मैंने जो आपको टॉपिक करवाए उन सभी से ये आपका अलग टॉपिक जो है आपका है, इसलिए जो है ये टॉपिक के लिए मैंने ये बताया। बाकी चीज़ें आप पिछले दिन वाला देख लेना, ऐसे मैं इस वीडियोज़ में ही उस वीडियोज़ को ऐड कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, बट आप उसको एज ए रेफरेंस के तौर पे पूरा देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट अगर नहीं देखना चाहते हो तो इतना ही सही, या स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे की जो वीडियोज़ होगी वो उसी का वीडियोज़ होगा, जो 9 तारीख को मैंने एनालिसिस किया है उसी को इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ओके, थैंक यू। सबसे पहले बात किया जाए मैथ्स का, तो मैथ्स में अगर बात किया जाए डियर, तो मैथ्स में आपका एवरेज प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स, इन टॉपिक से आपका जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ये आपका SSC का जो पैटर्न होता है मैथ्स का, उसी पैटर्न पे पूछा जा रहा है, बट ईजी है ना, बट ईजी है, ये आप मानकर चलिए, ठीक है। साइंस से आज का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ, जैसा कि मेरे पास रिपोर्ट आई है, लोगों ने बताया है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है क्या नहीं, जो लोग भेज रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज का फर्स्ट शिफ्ट में साइंस से एक भी क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिला था। एग्जैक्टली वही बता सकते हैं जो एग्ज़ाम दिए हों, हो सकता है कि जो स्टूडेंट हमारे पास शेयर किए हैं ये अपडेट, हो सकता है कि उनको वो चीज़ याद ना हो, या हो सकता है कि वो क्वेश्चन वो अटेंड ना किए हों, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका करेंट अफेयर्स की, किसका करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स जो है फर्स्ट शिफ्ट में आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो है देखने को मिला है, ठीक। और रीजनिंग के बारे में बात किया जाए, रीजनिंग देखो, कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि करेंट अफेयर्स में कितने मंथ्स का पढ़ें, तो देखो शुरुआत से मतलब विद इन 6 मंथ का अगर आप पढ़ लेते हो करेंट अफेयर्स, तो डैट्स एनफ है ना, वो काफ़ी है। उतना से आपका अगर 10-15 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो उससे आप आराम से जो है बना सकते हो। उसके बाद अगर रीजनिंग में बात किया जाए, तो रीजनिंग जो है ये आपका रीजनिंग में इनइक्वालिटी इन
इक्वालिटी कैलेंडर कैलेंडर, ठीक है। इसके अलावा आपका क्लॉक कैलेंडर क्लॉक, डाइस फिगर काउंट फिगर काउंट, इनसे जो है आपका क्वेश्चन जो है पूछा है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके जो पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्टेटमेंट वाला था, है ना। स्टेटमेंट वाला जो है क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे पूछा गया है। ओके, फर्स्ट शिफ्ट का मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट की। फर्स्ट शिफ्ट में इतना ही जो है मेरे पास अपडेट आया है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में अगर बात किया जाए तो सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग, सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग से जो क्वेश्चंस है इसमें आपका एक सीटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चंस था, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का। तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस था ये आपका बैंकिंग पैटर्न का था, है ना। जिस तरीके से बैंकिंग पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके का था, लेकिन एकदम बेसिक क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था। ओके, उसके बाद मोस्ट ऑफ जितने भी टॉपिक हैं जैसे रीजनिंग में क्लॉक हो गया फिगर काउंट हो गया, तो वो सभी जो है आपका डाइस क्लॉक वाला, तो वो आपका एसएससी पैटर्न पे जो है आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ओके, साथ ही जो अरेंजमेंट आता है डिक्शनरी के बेसिस पे आपको जो है स्पेलिंग को अरेंज करना है, तो वो क्वेश्चन भी जो है आपका दो से तीन क्वेश्चन जो है सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिला था। बात किया जाए जीके की यानी जीके जीएस की, तो जीके जीएस अगर बात किया जाए तो ये आपका पॉलिटी से जो है पाँच से छः क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है राज्य, अलग अलग कुछ राज्य दे दिया गया कि उस राज्य में कौन सा भाषा है या उस राज्य का कौन सा भाषा नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन। इसके अलावा महासागर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था, कौन सी नदियाँ किस जगह पे डेल्टा फॉर्म करती है, कौन सा डेल्टा फॉर्म हो रहा है इस तरीके का, या कब डेल्टा फॉर्म होता है इस तरीके का क्वेश्चन। इसके अलावा आपका अगर हिस्ट्री की बात किया जाए, है ना, हिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री से जो है आपका तीन से चार क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये इसके अलावा करेंट अफेयर्स भी आपका पूछा गया है, तो करेंट अफेयर्स में आपका जो पुरस्कार होता है ना, जो अवार्ड होता है उससे रिलेटेड आपके जो है तीन से चार क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले थे। और तो ये सेकेंड शिफ्ट का भी आपका ख़त्म हो गया, फर्स्ट शिफ्ट का भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि ज़्यादातर करेंट अफेयर्स किस टॉपिक से जो है पूछा जा रहा है। तो देखो जितने भी एग्ज़ाम अब तक हुए हैं 5 अगस्त से, है ना, आज आपका 9 अगस्त हो गया, तो आज तक में अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर वो खेल और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है। फिर एक और स्टूडेंट का यहाँ पे जो है कमेंट था कि कितने क्वेश्चन जो है लगभग कैंडिडेट अटेंड कर रहे हैं, है ना, कितने क्वेश्चन लगभग सभी लोग अटेंड कर रहे हैं। तो लगभग जो अप्रॉक्सीमेटली जो क्वेश्चन अटेंड किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका 100 से लेकर 125 के बीच में, है ना, 100 से 125 के बीच में। कुछ कम भी कर रहे हैं, कुछ और ज़्यादा भी कर रहे हैं, बट एवरेज जो स्टूडेंट हैं, नॉर्मल जो स्टूडेंट हैं वो 100 से 125 के बीच में जो है क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। अब बात किया जाए कट ऑफ की, तो जो क्लर्क का जो कट ऑफ है अगर इतना के बीच में अगर सभी लोग अटेंड कर रहे हैं तो जनरल का मानकर चलो कि 120 क्वेश्चंस जो अटेंड कर रहा है वो सेफ जोन में है, यानी 450 मार्क्स के अगर ऊपर आता है या 450 नंबर तक आता है तो उनका सेफ स्कोर मान सकते हैं। इसके आसपास जो है कट ऑफ जनरल का जा सकता है। वही अगर एससी एसटी के बारे में बात किया जाए, ठीक है, अगर हम लोग एससी
एंड एसटी की अगर बात किया जाए तो इसका कट ऑफ जो है लगभग 360 के आसपास आप लेकर चल सकते हो कि 360 से 400 के बीच में आपका रह सकता है मार्क्स वाइज अगर बात किया जाए तो। अगर क्वेश्चंस के बारे में बात किया जाए तो 90 से 100 के बीच में आप क्वेश्चंस अगर अटेंड कर रहे हो इस कैटेगरी के हो तो आप सेफ स्कोर में भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो है 5 से 9 अगस्त तक ही एग्ज़ाम हुआ है, अभी और भी एग्ज़ाम होने हैं 10 11 12 तीन दिन अभी और एग्ज़ाम होंगे, उसके आगे अगर अपडेट होगा तो वो भी जो है आपको अपडेट किया जाएगा। वही अगर बात किया जाए बीसी एंड ईबीसी की अगर बात किया जाए तो 100 से 110 के बीच में जो क्वेश्चन अटेंड कर रहा है वो सेफ स्कोर में रहेगा, मतलब उसका सिलेक्शन होने की उम्मीद हो सकती है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं आज और एग्जैक्ट क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो आप जो है हमें शेयर कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7488414543, तो आप इस नंबर पे जो है शेयर कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियोस में।